हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं, जो आपकी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसकी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का प्रश्न क्रमांक एक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। प्रश्न क्या है आपका? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर 5:3, बी नंबर 3:2, सी नंबर 3:4 और डी नंबर 2:3। और इस प्रश्न को RRB एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का, 3:2। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। पहला क्वेश्चन था लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हुआ? 3:2। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा? ए नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है? 1:2, बी नंबर का ऑप्शन 2:3, सी नंबर का ऑप्शन 3:2 और डी नंबर का 2:1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो ए नंबर समुद्री नीला, बी नंबर गहरा नीला, सी नंबर काला और डी नंबर हरा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, हरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ए नंबर 20, बी नंबर 22, सी नंबर 23 और डी नंबर 24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 24। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ए नंबर महात्मा गांधी, बी नंबर बंकिमचंद चटर्जी, सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर और डी नंबर पिंगाली वेंकैया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का, पिंगाली वेंकैया। और यह प्रश्न आपका RRB एग्जाम 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय गान है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? यह सभी को मालूम है, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। ए नंबर बंकिमचंद चटर्जी, बी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंबर सरोजिनी नायडू और डी नंबर अरविंद घोष। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इस प्रश्न को भी RRB एग्जाम 2016 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 1911 कलकत्ता में, बी नंबर कह रहा है 1931 कलकत्ता में, सी नंबर है 1950 दिल्ली में और डी नंबर 1896 कलकत्ता में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए यहां से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, 1911 कलकत्ता में। इस प्रकार आपके यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? ए नंबर 50 सेकंड, बी नंबर 52 सेकंड, सी नंबर 55 सेकंड, डी नंबर 59 सेकंड। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत का राष्ट्रगीत है। ए नंबर जनगण मन अधिनायक जय है, बी नंबर हिंद देश का प्यारा झंडा, सी नंबर वंदे मातरम और डी नंबर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद चटर्जी और सर मोहम्मद इकबाल और सरोजिनी नायडू। और इस प्रश्न को आपको RRB एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, बंकिमचंद चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत के राष्ट्रगीत के गायन की अवधि है। भारत के राष्ट्रगीत, इसके पहले का जो बताया था हमने, राष्ट्रगान के गायन की अवधि क्या थी? 52 सेकंड। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है आपका? राष्ट्रगीत के गायन की अवधि है। तो 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड, 90 सेकंड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा राष्ट्रगीत के गायन की अवधि कितनी होगी? सी नंबर का आंसर 65 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, 1896 ईस्वी में। कब गाया गया? 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। प्रश्न क्या था? राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? जैसे आकाशवाणी है और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम जो प्रतिदिन के कार्यक्रम है उनकी शुरुआत किससे होती है, ये पूछा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, राष्ट्रगीत से। जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगीत से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इससे 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है। बताइए यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए नंबर होगा, शीर्ष भाग। कौन सा भाग लिया गया है? शीर्ष भाग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, सिंह, सांड, घोड़ा, हिरण। इसका सिंह भी है, सांड भी है और घोड़ा भी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, हिरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है इसमें कितने शेर दिखाई देते हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर, 3 शेर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो इसके मूल स्तंभ कितने सिंह हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 4। सी नंबर का आंसर इसका सही है, 4 सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई, तो इसका सही 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको बताना है, विक्रम संवत, विक्रमी संवत, शक संवत, कोलम संवत और ग्रेगोरियन संवत, तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा, शक संवत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, चैत, वैशाख, माघ, कार्तिक, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का, चैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है, इसका अंतिम मास कौन सा होगा, तो इसका अंतिम मास होता है फाल्गुन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास क्या हो गया, फाल्गुन, और प्रथम मास कौन सा हो गया, चैत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु है चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह, तो इसका सही आंसर आ जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था, ए नंबर हिरण, बी नंबर नीलगाय, सिंह, गेंडा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसका राष्ट्रीय पक्षी सभी को मालूम है, मयूर, मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका सही आंसर सत्यमेव जयते। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न को आपको आरआरबी एग्जाम 2016 में पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है, सांड, ऊंट, घोड़ा, सिंह, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऊंट, बी नंबर का आंसर सही है। इस प्रकार हमने आपको यहाँ पे जो 27 बहुविकल्पी प्रश्न बताए, किससे संबंधित हैं, आपके भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित, और ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आपकी वर्ग एक हो, संविदा वर्ग एक, संविदा वर्ग दो, संविदा वर्ग तीन, या आपके पटवारी एग्जाम होते हैं, या SSC एग्जाम, RRB एग्जाम, इन सभी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है, सभी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया। हमने सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है इस चैनल के माध्यम से, और इस चैनल में आपको हम सब आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित ही बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो बहुविकल्पी प्रश्न बताए गए अच्छे लगे हों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एवं अन्य ग्रुप में इसे शेयर जरूर कीजिए।